हेलो फ्रेंड, आज का हमारा जो DIY है वो बहुत छोटा सा DIY है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। चाहे आप साड़ी में लगाइए या फिर कहना चाहिए कि कहीं पर भी दुपट्टे वगैरह में भी लगाइए इसको। रेशम के धागे से या उनसे किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं और किसी भी चीज़ में आप इसको लगा के उस चीज़ की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर पर कार्डबोर्ड ले लिया है जो कि 2.5 इंच चौड़ाई है और 3.5 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे और इसमें जो है तो ऊन को हमको नॉट लगा लीजिए या नॉट नहीं भी लगाइए, ये आपके ऊपर है। इसके बाद ऊन को लेके कुछ इस तरह से लपेटते जाना है। जितना आपको मोटा टैसल चाहिए है तो उसके हिसाब से आप इसको लपेटते जाएंगे। और हमने इधर पर कम से कम इसको 27-28 बार इस तरह से लपेटा था, जिसमें कि मीडियम साइज़ का एक टैसल बन के मिल गया था हमको। तो इधर पर जो है तो हमने नीचे से धागा कट करके और छोटा सा एक जो था तो ऊन ले लिया है और इसको ऊपर से बस इसके ऊन के अंदर से इस तरह से डाल के और ऊपर इसमें नॉट लगा दी है। नॉट इसलिए लगा दी है जिसमें कि ये बिल्कुल एक सा बना रहे और बिखरे नहीं। तो इस तरह से ऊपर थोड़ी मजबूती से 2-3 नॉट लगा दीजिए जिसमें कि ये अच्छे से अपना शेप ले लेगा। बस इसको नॉट लगाने के बाद जो है तो आप इसको इस कार्डबोर्ड से निकाल के अलग कर दीजिए, लेकिन बहुत सावधानी से इसको निकालना है। और ऊपर का देखिए, जो थोड़ा सा धागा बचा हुआ है तो इसको हम कट कर देंगे। और बड़ी सावधानी के साथ देखिए, इस तरह से हमको ये ऊन जो हमने लपेटा था तो उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से निकाल के एक सा करके ऊपर फिर से इसको ऊन से बांध देना है जिसमें कि ऊपर का शेप बहुत अच्छे से आ जाए। यदि आपको इसको साड़ी में, दुपट्टे में या फिर किसी और चीज़ में इसको लगाना है तो आप रेशमी धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि टैसल काफ़ी अच्छे बनेंगे। साड़ी और सूट में या दुपट्टे में किसी में भी लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो बस देखिए, इधर पर जो है तो हमने इसको लपेट दिया है और बस इधर पर लूप लगा के और इस तरह से 2 नॉट मजबूती के साथ हमने लगा दी है। तो इस तरह से देखिए, बहुत छोटा सा हमारा जो आज का काम था तो वो हो गया है और बस ये टैसल बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो देखिए, बिल्कुल एक से बन जाएंगे ये टैसल। और बस इसके बाद नीचे से इसको इस तरह से कट करके और फिर एक सार कर लेना है इस तरह से, जिसमें कि सारे जो ऊन है तो वो जो ऊपर नीचे है तो एक सी हो जाए और बाकी जितनी भी ऊपर नीचे ऊन हुई है तो उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो चलिए, बताइएगा ज़रूर कि आज का हमारा आपको DIY कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन जरूर करिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।